कहा जाता है कि जब इमाम हसन हुसैन जंग पर गए थे तो किसी शायर ने उस बात को यूं बयां किया है। कहा जाता है कि छोड़ दो तलवार, ज़माने में कज़ा आ जाएगी, छोड़ दो तलवार, ज़माने में कज़ा आ जाएगी, आज जंग पर सारी मखलूक़े खुदा आ जाएगी। मुंतज़िर है जन्नत, जन्नत में चले जाओ हुसैन, वरना जन्नत खुद नंगे पांव चलकर करबला आ जाएगी। सूरत शहर में शांतिपूर्ण माहौल में ताजिया जुलूस निकाला गया। कौमी एकता के माहौल के बीच ये जुलूस निकाला गया। सूरत शहर में शनिवार को ताजिया जुलूस निकाला गया। छोटे बड़े समेत 350 से भी ज़्यादा ताजिया जुलूस के साथ अलग अलग क्षेत्रों में से निकाल कर करबला तक पहुँचे। सूरत शहर के हर इलाके में बरसों से ताजिया जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र की खास बात यह है कि हर साल ताजिया जुलूस के दौरान कौमी एकता के दर्शन होते हैं। आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ इस बार भी बड़े पैमाने पर ताजिया जुलूस निकाला गया। इस साल भी ये परंपरा भाईचारा कायम रही। बड़ी संख्या में यहाँ से ताजिए निकाले गए और बड़ी संख्या में लोग ताजिया जुलूस में शामिल भी हुए। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत।
Thank you.
ताजिया कमेटी वाले आज मोहर्रम नो त्यौहार छे अने सूरत नी अंदर जे ताजिया नो रंगे संगे प्रसंग उजवाय छे एनी अंदर कौमी एकलास थी हिंदू मुस्लिम दरेक समाज ना दरेक लोको भेगा मळी अने आ कलात्मक ताजिया ने निहाळे छे अने हर वर्षे नवा नवा कलात्मक ताजिया बनता जाय छे। जेम जेम सूरत नी रौनक वधती जाय छे अने सूरत नी रौनक जेम जेम हरियाळी बनती जाय छे एम नवा नवा हरियाळा अने कलात्मक ताजिया पण बनता जाय छे। एटले आ ताजियाना जे त्यौहार निमित्ते सूरत शहेरना तमाम भाईओ भेगा थई अने आ त्यौहारने उजवे छे एने अभिनंदन आपू छू। 8-10 वर्षथी आ होळी બંગલા ખાતે પણ દરેક કલાત્મક તાજિયાઓનું સન્માન કરે છે, સ્વાગત કરે છે। કમિટીને પણ હું અભિનંદન આપું છું। ક્યાં મેસેજ દેના ચાહોગે આજ કે દિન છે? આજના સંજોગોમાં આ વર્ષની અંદર આવતા દરેક તહેવારોની અંદર આ સુરતીઓ આ નર્મદની નગરીના લોકો ભેગા મળી અને આ તહેવારો ઉજવે અને નવયુવાનો જ્યાં ડ્રગ્સના રવાડે ન ચડે એટલી મારી એમને વિનંતી કરું। मेरा नाम मोहसिन मिर्जा है, मैं ताजिया कमेटी का उपप्रमुख हूँ। आज सब धर्म के लोग जमा हुए, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे जो 10वां चांद है मोहर्रम का, यहाँ पे सभी समाज के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जमा हुए हैं। ये कौमी एकता के माहौल में जुलूस की शुरुआत हुई है। मैं यहाँ के सभी आगेवान सभी वॉलंटियर इन सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी जुलूस जल्द से जल्द पूरा हुए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस कमिश्नर श्री तोमर साहब, SMC की टीम और दोनों कमेटी ताज्या व्यवस्था कमेटी ताज्या कमेटी सभी आगेवान से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह हर साल जो माहौल में जो कौमी एकता के माहौल में जुलूस संपन्न होता है उसी तरह से खब्बे से खबा मिलाकर काम करके जुलूस को संपन्न करें। मेरी इन सबसे आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है। कितने ताजिए ये साल बनाए गए? मेरा नाम इमरान मेहमान है, मैं ताजिया कमेटी का मंत्री हूँ। इस साल कम से कम 350 ताजिए निकलने वाले हैं और सभी रूट पर निकल चुके हैं अभी तक। और कौमी एकता के माहौल में ताजिया जुलूस चल रहा है। अच्छा, क्या डिफरेंस है हर साल के ताजियों में और ये साल के ताजियों में, अलग क्या लगा? इस साल का ताजिया जो है वो पूरे जो कौमी इखलास के माहौल में निकल रहे और सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर ये त्यौहार मना रहे हैं। मारू नाम साजिद निसार जमादार, सूरत शहर ताजिया व्यवस्था कमेटी प्रमुख। ये आज क्या कहना चाहोगे? ताजिए का जुलूस निकला है, मेहमान उपस्थित है, क्या कहोगे? ताजिए का जुलूस अभी बहुत शांति से निकल रहा है और संपन्न हो रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर काम कर रहे हैं और सूरत के अंदर तकरीबन ये 100-150 साल के करीब से ये प्रथा चलती आ रही है। और हमारा जो ये जहाँ पे ये स्टेज मौजूद है ये करबला का विस्तार है जहाँ पे ताजिए ठंडे होते हैं और सब हमारे सब वॉलेंटियर्स हमारे सब दोस्त बिरादर हमारे आगेवान सब मिलकर काम कर रहे हैं और साथ ही में ड्रग्स के विरुद्ध में नो ड्रग्स का जो अभियान चला रहे हैं हमारे मोहसिन भाई मिर्जा, शौकत भाई मिर्जा, इनका भी इसमें बहुत बड़ा फाड़ा है और सब शांति से पूरा और इसकी हमें खुशी भी है।